मानदेय सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन का काम बंद कलम बंद हड़ताल नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बुधवार को भी जारी रहा। हड़ताल में भारी संख्या में आंगनवाड़ी सहायिकाएं शामिल हुई। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के जिला संयुक्त मंत्री संगीता आर्या ने कहा कि बजट पास होने के बाद बड़े मानदेय का राजज्ञा जारी नहीं हुआ है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका धरना दे रही हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 10 तारीख के बाद लखनऊ के लिए कूच करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन की जिला संयुक्त मंत्री संगीता आर्या ने कहा, अभी तक जीवन जारी नहीं किया गया, नहीं आ रही है। पिछले दो धरना करता किसी के ऊपर सही कार्रवाई नहीं हुई। क्या संगीता आर्या, मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की जिला संयुक्त मंत्री हूँ। हमारा आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल है और ये हड़ताल तब तक चलेगा जब तक हमारे बड़े हुए मानदेय का जियो जारी नहीं करते मुख्यमंत्री जी, क्योंकि 7 जून को उन्होंने जो वार्ता हमारे संगठन के साथ किया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो हमारा मानदेय दुगना से ढाई गुना तक करेंगे और उसका बजट भी पास हो गया, मगर आज तक उसका जियो जारी नहीं किया। हमारी बहनें आज यहाँ धरने पर बैठी हैं और ये धरना पूरे प्रदेश में चल रहा है और 10 तारीख तक हर जिले में होगा। उसके बाद 11 तारीख से हम सारे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें लखनऊ में कूच करेंगे। यहाँ पूरे जिले भर की है, जिले के हर 200 परियोजना से यहाँ आंगनबाड़ी बहनें आई हुई हैं। इसी तरह से हर जिले में सभी ब्लॉकों की आंगनबाड़ी और जिले पर प्रदर्शन कर रही हैं।